हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अधिकारी टेक्निकल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? देखिए, ये है होनर 8X मोबाइल। इसके अंदर 9Pi का अपडेट आ गया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। मैं चाह रहा था कब आएगा, लेकिन आज आ ही गया है। उसको मैं डाउनलोड भी कर लिया है, तो इंस्टॉल करके आप लोगों का सामने में मैं दिखाएंगे क्या चेंजेस आएगा क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सेटिंग में जाके दिखा देते हैं कितना GB का है ये। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अधिकारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त गोपाल। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा अधिकारी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो मेरा आगे आने वाली वीडियो आप लोग जल्दी देख पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेटिंग्स है। जाने के बाद ये सिस्टम में जाने के बाद देखिए सिस्टम अपडेट 1 है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करते देखिए करंट वर्जन चल रहा है JSN-L428.2.0.165 और न्यू वर्जन देखिए JSN-L429.0.1.156। यह है न्यू वर्जन। तो इसके अंदर मैं क्लिक करके देखते हैं क्या क्या आएगा। देखिए चेंजेस लॉग EMUI 9.0 इज हेयर। देखिए एंड्रॉइड पाई दिस वर्जन। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सिंपली नेचुरल आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं सब कुछ पढ़ के दिखाएंगे तो सुनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए लिविंग स्मार्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे योर मोबाइल ऑफिस बैकअप स्टोरेज एंड स्टेयरिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे VILT ऐड हो गया है, एड्स द VILT फीचर। उसके बाद ये अपडेट नोट्स आप लोग पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड, इसको तो मैं कर लिया है। तो अभी देखिए 3.12 GB का है ये। तो 3.12 GB मैं इसको डाउनलोड कर लिया है। अभी इंस्टॉल करने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। देखिए, तो आप लोगों को ध्यान में रखने का है 3.5 GB अपना मोबाइल में डाटा चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे। या 4 GB होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं कर लिया है, तो अभी इसको इंस्टॉल में मैं बैठा देता हूँ। देखिए ये इंस्टॉल नाउ दिखा रहा है, इंस्टॉल में क्लिक करता हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये अभी अपडेट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंस्टॉलिंग हो गया है। अभी देखिए ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग ऐप 31% हो गया। ये 100% होने के बाद ये पूरा ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी अपडेट हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे फिनिश करने कह रहा है, तो फिनिश में क्लिक कर दीजिए। देने के बाद ये हो गया है पूरा अपडेट। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये सेटिंग में जाके आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। ये सेटिंग है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो फुल सेम है। थोड़ा देखिए ये सब ऐड हो गया है, इसमें कुछ एप्लीकेशन ऐड हुआ है। देखिए थोड़ा सा ये सेटिंग का जो पेज था थोड़ा चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद देखिए ये सिस्टम में जाइए। सिस्टम में जाने के बाद देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी देखिए चेकिंग हो रहा है करंट वर्जन। देखिए 9.0.1.156 का एंड वर्जन सॉफ्टवेयर अप टू डेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अबाउट फोन में जाके थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए EMUI वर्जन 9, एंड्रॉइड वर्जन 9। देखा, बहुत बढ़िया एक अपडेट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये अपडेट देख के, क्योंकि मेरा ही बहुत पहले आ गया है ये। तो क्या क्या चेंजेस होगा मैं आप लोगों को दूसरा एक वीडियो बना के उसमें दिखाएंगे क्या क्या चेंजेस आएगा नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा देखते हैं, ये नोटिफिकेशन बार तो ठीक ही है, कॉलिंग कुछ है नहीं, उतना चेंजेस नहीं आया है अभी तक। मैं तो देखेंगे, देखने के बाद ही आप लोगों को मैं बताएंगे क्या क्या चेंजेस हुआ है इस मोबाइल में, कौन सा ऐप ऐड हुआ है क्या नहीं हुआ है।
मैं बाद में आप लोगों को बताएंगे दूसरा एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये अपडेट के लिए सब लोग तरस रहा था। तो अपडेट आ ही गया है, तो कैसे अपडेट करने का है आप लोगों को तो पता चल गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो हुआ है, एक लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।